सुअर खड़ा होकर बोलता है, क्यों थक गया क्या? तेंदुआ फिर सुअर के साथ कुश्ती पकड़ता है। सुअर थोड़ा मैदान में आकर बोलता है, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे आकर लड़ते है। सुअर और तेंदुआ फिर मैदान में कुश्ती पकड़ते है। ये दो तेंदुए ही सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी सुअर इनसे छूटता है और आगे भागता है। तेंदुआ सुअर को कुछ ही दूरी पर कैच करता है। दरअसल ये छोटा तेंदुआ और सुअर कुश्ती लड़ रहे थे और तेंदुए का बड़ा भाई उसे कुश्ती सिखा रहा था। अब आप बोलोगे कि ये कुश्ती कैसे हो सकती है, दोनों तो दुश्मन है, लेकिन आपको आगे पता चल जाएगा। इस तेंदुए को लगा कि सुअर ने हार मान ली, इसलिए वो सुअर को छोड़ देता है। सुअर खड़ा होकर बोलता है, क्यों थक गया क्या? तेंदुआ फिर सुअर के साथ कुश्ती पकड़ता है। सुअर थोड़ा मैदान में आकर बोलता है, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे आकर लड़ते है। सुअर और तेंदुआ फिर मैदान में कुश्ती पकड़ते है। तेंदुए के हाथ होने से तेंदुआ सुअर पर भारी पड़ता है। थोड़ी देर बाद तेंदुए की माँ उनको खाने के लिए आवाज लगाती है। तेंदुए का बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है, चल माँ ने बुलाया है। दोनों तेंदुए वहाँ से चले जाते हैं। सुअर दोनों तेंदुए को बोलता है, जाओ और अपनी माँ की आंचल में छुप जाओ। सुअर अपनी जीत की खुशी पूरे जंगल को बताने के लिए निकल पड़ता है। वैसे अगर इन दोनों की कुश्ती लगाए तो कौन जीतेगा कॉमेंट में बताना।